तो गाइस मैं उस्मान और आप सभी को स्वागत करता हूं अपना एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है मैं हूं दीघा में, और गाइस दीघा में मेरा पीछे जो बनने जा रहा है मंदिर वो है जगन्नाथ जी का टेंपल। और गाइस जगन्नाथ जी का जो टेंपल है वो जैसे कि आप देख कर रहे होंगे, जो ये जो मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा साफ हो चुका है। ये वाला ये देख पा रहे होंगे ये पूरा साफ हो चुका है और ये बन के तैयार हो चुका है ऑलरेडी। ये जो है ये विश्रामागार है। विश्रामागार मतलब जो कुछ टूरिस्ट लोग को भाड़ा देगा शायद ये वाला रूम ऐसा कुछ है। और ये सामने का जो हिस्सा गेट वो भी बन के तैयार हो चुका है। और मंदिर का देखिए, मंदिर में दिखाता हूँ आप लोग को, और आसमान कितना साफ है देखिए और कितनी खूबसूरत लग रहा है। आसमान देख के मालूम हो चुका है जैसे प्रभु श्री जगन्नाथ जी कृपा किया दीघा में। और गाइस काफ़ी पुराना मंदिर था दीघा में ऑलरेडी, और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आसमान का हालत कैसा है देखिए, जबरदस्त। गाइस एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में मेरा मेहनत। और गाइस ये दिख पा रहे होंगे ये कितना काम हो चुका है देखिए। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे होंगे फ्लोरिंग का काम चल रहा था, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था फ्लोरिंग का काम चल रहा था, अब भी साफ सफाई चल रहा है। और साफ सफाई मतलब ये जो हिस्सा है ये पूरा साफ हो चुका है। और ये गेट का तो एंट्री है ये वाला हिस्सा, इधर से एंट्री होगा। और गाइस इधर से देख पा रहे होंगे प्रभु श्री जगन्नाथ टेम्पल का कॉपी जो दीघा में बन रहा है उसका काम। गाइस ये फ्लोरिंग का जो मार्बल का काम चल रहा था वो शायद लगभग खत्म हो ही चुका है। और थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आप लोग को प्रभु श्री जगन्नाथ टेम्पल का। तो गाइस फाइनली आसमान देखिए, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल और ये आसमान कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत लग रहा है। जैसे लग रहा है प्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए ऊपर से देखे। गाइस काफी खूबसूरत बना है, काफी खूबसूरत दीघा ओल्ड दीघा न्यू दीघा का बीचों बीच जो ये जगन्नाथ टेम्पल हुआ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा मंदिर हमारा दीघा में भी होगा। तो गाइस हमारा माननीय ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस दीघा में ये वाला मंदिर तैयार करने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी खूबसूरत देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत हुआ है। और पास जाके मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। और ऑलरेडी काम पूरा लगभग हो ही चुका है लगता है, बड़ा जो मंदिर है पीछे का हिस्सा उसमें भी काम चल रहा है, और बाकी ये जो तीन हिस्सा है ये तैयार हो चुका है ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और फ्लोरिंग का पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था जो फ्लोरिंग का काम चल रहा था, बट ये इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ फ्लोरिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बाकी है वही काम चल रहा है। तो गाइस खाली आसमान देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखिए। तो गाइस फाइनली बनने जा रहा है, ऑलरेडी बन चुका है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल ओल्ड दीघा न्यू दीघा का बीचों बीच वेस्ट बंगाल में, जो कि पूरी मंदिर में था ऑलरेडी। और उनका कॉपी हमारा माननीय मंत्री ममता बनर्जी ने इधर दीघा में स्थापित कर रहे हैं। और गाइस जो जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्यार करते हैं उनका प्यारा से एक कमेंट करना, प्रभु श्री जगन्नाथ जय का जय हो। और गाइस ये देख पा रहे होंगे ये मंदिर, मैं थोड़ा सा आप लोग को और दिखाता हूँ पास। तो गाइस फाइनली ये है अंदर आने का रास्ता। और ऑलरेडी साफ हो चुका है मिट्टी, और इधर से एंट्री होगा।
तो गाइस फाइनली मेरा इस वीडियो आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस मेरा चैनल में मेरा सब्सक्राइबर लोग को सभी को धन्यवाद है। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, हमारे साथ बने रहिए।